हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम दोनों साथ में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी हम गए थे रेस्टोरेंट, ये लेके गए थे मुझे, इन्होंने पार्टी दी थी मुझे रेस्टोरेंट में, मुझे बच्चों को, हम सबको दी थी। तो एनिवर्सरी थी हमारी, एनिवर्सरी पे लेके गए थे, इतना अच्छा सरप्राइज दिया था इन्होंने हमें। तो फ्रेंड्स, उस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने आपको जब भी बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि वहां पे क्या क्या चीजें जरूरी है ना, कितना पैसा हमारा खर्च हो सकता है, कितने चार्जेस लगते हैं, कितनी आपकी जेब ढीली हो सकती है। तो चलो उसी बारे में बात करेंगे और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी बातें बताएंगे सारी जो जो जरूरी है। बस आप वीडियो को स्किप मत करना और जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एरो रेस्ट्रो एंटरटेनमेंट के बारे में। तो इसका तो नाम ही इतना डिफिकल्ट है, मेरे से लेने में भी इतनी दिक्कत होती है, आप भूल के बताना एक बार। एरो रेस्टोरेंट नहीं, एरो रेस्ट्रो एंटरटेनमेंट। एरो रेस्टो रेस्टोरेंट एंटरटेनमेंट, इन्होंने सब एक साथ जोड़ दिया, एरो रेस्ट्रो एंटरटेनमेंट। नाम ही ऐसा रख रखा है। हाँ, नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट रख दिया इसका। तो एरो का मतलब एयर में, मतलब, और रेस्ट्रो मतलब रेस्टोरेंट। तो ये हवा में बना हुआ है, मतलब प्लेन उड़ता नहीं है, सिर्फ एक जगह खड़ा हुआ है, रेस्टोरेंट है ये। तो जैसे कि रियल का कोई प्लेन होगा तो उसे ही इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया। तो इसी एरोप्लेन वाले जो रेस्टोरेंट है, तो इस रेस्टोरेंट में आप कैसे आ सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो से आएंगे तो कौन से सेक्टर पे आना है? सेक्टर 18 के पास, ये सेक्टर 18। बस वही है उसके पास, सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन से जैसे आप उतरोगे सामने ही जेएलपी मॉल है। और आप अगर आप मेट्रो से आते हो तो आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी ही गाड़ी से आते हो, खुद की आपके पास कार या बाइक है, तो जैसे पार्किंग करने जाओगे आप, तो उसके बिल्कुल जस्ट पास में आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिख जाएगा। मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखा रखा है, पार्किंग के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो ये तो था आप कैसे किस तरह से जा सकते हैं इस बारे में। तो अब बात करते हैं टिकट की और आपकी जेब की कितनी ढीली करवाएगी, मतलब रेस्टोरेंट आपकी जेब कितनी ढीली करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सबसे पहले पड़ता है टिकट काउंटर। तो टिकट काउंटर में इन्होंने टिकट ली थी, कितने कितने की टिकट ली थी? 100 रुपए की टिकट है पर पर्सन। एक पर्सन की टिकट है 100 रुपीज। बच्चे, छोटे बच्चे की नहीं है? नहीं, 7 से 8 साल के बच्चे की टिकट नहीं है। हाँ, मतलब प्रेम 7 इयर्स का, तो प्रेम की टिकट नहीं लगी थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो कितने, एक जने की 100 रुपए की टिकट है। अभी फिलहाल रिसेंट में तो इतना ही चल रहा है प्राइस, क्योंकि मैंने अभी कल ही वो ब्लॉग डाला है। और 19 तारीख को हम गए थे, 19 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी, 19 तारीख को हमारी शादी को 16 साल हो गए पूरे। 16 साल बीत गए, इतनी जल्दी पता भी नहीं चला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा हल्का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंदर। जब आप एंटर करते हो 100 रुपीज की टिकट लेके, तो काफी मतलब अच्छा वहां बना रखा है। नीचे भी आप, ओपन रेस्टोरेंट भी है, ऐसा नहीं कि अंदर प्लेन में ही खाओगे आप, बाहर भी काफी अच्छा एंजॉय कर सकते हो। सोफे, चेयर, टेबल सब कुछ है वहां पर, और बच्चों के एंजॉय के लिए भी वहां पे वो जंपिंग वाला वो बना रखा था, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था। बच्चे भी बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, और डीजे वाला सेक्शन भी था वहाँ, डीजे पे अच्छा डांस कर सकते हो, बर्थडे सेलिब्रेट। हाँ, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो या कुछ भी, जैसे हम एनिवर्सरी पे गए थे तो अच्छा लगता है डांस का, और ज्यादा लोग होते हमारे साथ तो और अच्छा एंजॉय करते हम लोग, मतलब डांस वांस करते हैं डीजे पे। हाँ, तो डीजे का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, आप अपनी पसंद के गाने लगवा सकते हो डीजे वाले से। लेकिन वो जो बच्चों वाला था ना, जंपिंग वाला, उसके चार्ज वो बता रहे थे, वो मुझे थोड़ा गलत लगा, क्योंकि 100 रुपीज में बच्चों का तो फ्री रहना चाहिए। बच्चा कितनी देर खेल सकता है? 5-10 मिनट खेल के, 10 या 15 मिनट से ज्यादा बच्चा नहीं खेल सकता। तो मैंने तो कोई पैसे नहीं दी थी, मैंने तो बस 5 मिनट तक इन्हें जंप करा के मैंने हटा लिया था, मैं आपको सच बताऊं। तो अगर आप ज्यादा देर मतलब बच्चों को खिलाना चाहते हो तो आप पे कर सकते हो, आधा घंटा 50 रुपीज में। तो आप काफी अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हो, इतनी अच्छी डेकोरेशन आकर रखी है, रील के लिए फोटो शूट कर सकते हो, मतलब बहुत प्यारी प्यारी, मतलब अंदर वो जो उसका इंटीरियर जो डिजाइन था ना नीचे का, वो बहुत अच्छा था प्लेन के अलावा भी। तो फिर हम प्लेन की तरफ जब गए अंदर की तरफ, तो वो भी बिल्कुल एकदम रियल ऐसे लग रहा था कि प्लेन में ही फील आ रही हो। तो अगर आप लोग अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठे हो, है ना, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जाना चाहिए एक बार उन्हें जो फ्लाइट में कभी नहीं बैठे, जो फ्लाइट में नहीं गए, एक बार होया हो भाई। हाँ, जन्मदिन है या एनिवर्सरी वगैरह, क्योंकि फ्लाइट में बैठना सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर 100 रुपीज की टिकट देके आप फ्लाइट के मजे ले सकते हो तो क्यों ना जाएं, अच्छी बात है। 100 रुपए तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, तो क्योंकि इसमें टाइम लिमिट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा नहीं है कि आप बस 1 घंटा घूम के आ सकते हो, टाइम लिमिट कोई नहीं थी। हाँ, 1 घंटा घूम के घूम फिर गया, एक या 2-3 घंटे भी आप आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हो। हाँ, बच्चे खेल सकते हैं वहाँ पे, काफी बड़े एरिया में बना रखा था, और रात के 12 बजे तक ही खुलता है, रात के 12 बजे तक ओपन रहता है ये वाला रेस्टोरेंट। तो फिर जब हम अंदर एंटर हो गए,
फिर आप बैठते हो अगर वहां पर तो आप ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऑर्डर करो। सबसे मेन चीज तो ये थी कि भाई मर्जी है, आप अंदर से घूम के फोटो वोटो क्लिक करके आ सकते हो। पायलट वाला भी कैबिन था, फोटो शूट करा सकते हो, अच्छे से वीडियो बना सकते हो, वो अलग से बना लग रहा था जहाज का ही है। खाने का जो मेन्यू था 350-300 से तो स्टार्टिंग था, छोटे से छोटा मील, बाकी सब चीजों की प्राइस 500-600 जो नॉर्मल चीज 100-200 की बाहर मिल जाती है, जो 100-200 की बाहर मिल जाती है ना, वो उसके अंदर 500-600 की थी। 500-600 तो मैंने भी ऑर्डर करा था क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी कुछ खिलाएंगे नहीं, तो मैंने ऑर्डर करे थे फ्रेंच फ्राइज, चीज वाले थे कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस डिश का, कुछ मोजरेला चीज फ्राइज लिखा था। हाँ तो 275 यानी 275 की थी वो डिश, तो मैंने कहा चलो ठीक है से ऑर्डर कर देते हैं। तो उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा ही दिया था, बहुत कम हुआ था। सर अगर दो जने हो तो ठीक है, लेकिन अगर फैमिली है तो आपको ज्यादा ही सर्व करना पड़ेगा, तो कम से कम 1000-2000 तक आपका आ सकता है बिल, 2000 तक का अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, सबके लिए अच्छा सब कुछ। हाँ तो जो उनका मेन्यू था ज्यादा हो जाएगा, अगर कोई ज्यादा ही डिपेंड करता है वो तो हमारे ऊपर, मेन्यू देखे 2 या 3 है तो फिर 2000 या 3000। तो उसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों वैरायटी मिलती है, चाइनीज भी, सब कुछ हर तरह का फूड था, कॉन्टिनेंटल सब हर तरह का। तो अब उसके बाद वहां पर जब हम बैठे थे, सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे क्या हुई थी, पानी की, ये बताएंगे पानी के बारे में क्या हुआ था वहां पर। पानी की बोतल रखी थी कोने पे, तुमने अगर व्लॉग देखा हो तो मैं सोचा पानी तो पीने के लिए, मैं देख भी रहा था उस पे बोतल पे, पर उसमें प्राइस लिखा ही नहीं, मुझे नहीं दिखाई, मुझे दिख गई थी प्राइस। हाँ तो मैंने सोचा मैं रखी है बोतलें तो उन्हें या तो मेंशन करना चाहिए, मैंने उठाया वो खोल लिया भाई, पानी बच्चों को प्यास लग रही थी, मैंने तो जब हमने खाना ऑर्डर करा था तो 275 हमारा बिल था, हमने देखा तो हमारा 400 रुपए बिल आया, तो मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें वाटर बॉटल भी ऐड कर रखी थी, और जबकि हमें नहीं पता था कि पानी के भी पैसे लगेंगे। 100 रुपए का पानी था, 100 का पानी का, मतलब ये तो बिल्कुल हद हो गई थी प्लेन के अंदर। तो अगर आप जाते हो प्लेन में, मैं ये जरूर आपको एडवाइस दूंगी कि आप पानी पीने से पहले उनसे पूछना कि बिल में ऐड होकर आएगी क्या बॉटल, तो अगर वो कहते हैं कि हाँ ये बिल में होकर आएगी, तो 100 का पानी तो कोई मतलब ऐसे लगता है कि आप क्या पी लो 100 रुपए का, इतना तो महंगा दूध भी नहीं है। 20 रुपए लीटर आता, 20 लीटर 10 रुपए का आता, तो बताओ इतना महंगा, मैं कह रही हूँ 100 का तो दूध भी नहीं है, 100 रुपए लीटर दूध भी नहीं मिलता जो ताकत की चीज है। तो अगर आप अगर हो सके कोशिश करिए तो पानी अपने पास से ले जाइए, अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं प्लेन में तो पानी पीने की गलती बिल्कुल मत करना, पूछ लेना। फिर हम लोगों ने चलते टाइम इन्होंने बोला बोतल की इसे हम लेके जा रहे थे, हम तो उस बोतल को उठा के ले आए थे अपने साथ में, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको बोतल वाली कहाँ है, मैं रखी की जन्म लेकर आती हूँ अभी। 80 रुपए नहीं 70 रुपए है दूध, 70 रुपए लीटर लीटर भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रही वो बॉटल, तो हमने पूछा कि जब 100 रुपए हमने पेमेंट करी थी क्यों ना हम इसे घर ले जाएं, तो हम लोग तो इस बॉटल को घर ले आए थे, तो अभी हमारी रहेगी। 100 रुपए वाला पानी पिया हमने, सच में फर्स्ट टाइम पिया मैंने लाइफ में, क्यों झूठ बोलूं, 100 रुपए का पानी हमने पहली बार पिया। प्राइस इस पे लिखे 125, लेकिन मैं आपको सच्चे मरता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम उस फ्लाइट में जाते हो और आप सोचोगे हम कुछ नहीं खाकर आएंगे, हम घूम के आ जाएंगे, तो पानी पीने की गलती मत करना, क्योंकि पानी के प्राइस आप उनसे पूछ लेना जो वहाँ पे घूमते रहते हैं, जैसे एयर होस्टेस की तरह वहाँ पे वो राउंड मारते रहते हैं वेटर्स, आप उनसे पूछना कि इस पानी का बिल तो नहीं आएगा, तो बस फिर वो बता देंगे आपको। हाँ अगर आप सिर्फ घूम के आना चाहते हो, और अगर आप कुछ खाओगे तो फिर पानी भी पी सकते हो 100 रुपए का, वैसे 100 रुपए का पानी तो भी बहुत ज्यादा है सच में, 100 रुपए में हम कुछ अच्छा खा सकते हैं। चाहे अगर मैं ये नहीं कह रही कि कोई मिडिल क्लास है, अगर कोई रिच भी होगा वो भी सोचेगा हम 100 का पानी ना पीता, क्योंकि एक एक बूंद से ही सागर भरता है। देखो हम थोड़ा पैसा जोड़ेंगे तब आगे चल के कुछ होगा। तो हम लोग रेट हाई लगा रखे थे हर चीज की, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अगर आप जाओ तो, अगर किसी ओकेशन से जा सकते हो तो थोड़ा बहुत खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि खाना नहीं खा सकते बिल्कुल भी। पिज्जा वगैरह भी था, 400-500 का पिज्जा भी था उस रेस्टोरेंट में। अंदर हम लोग खा के जल्दी निकल गए थे, मतलब टाइम लिमिट तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी देर कोई बैठेगा, मैंने काफी अच्छे से देख भी लिया था, आप लोगों को भी दिखा दिया था, आप अच्छे से घूम सकते हो 15-20 मिनट आधे घंटे में अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो बस फिर नीचे आके हमने काफी सारी फोटो शूट करी थी, फिर हम लोग बाहर आ गए थे टिकट वगैरह दिखा के। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं खुद पर्सनली बताऊं मुझे तो बहुत एकदम रियल वाली फील आती, मैं रियल की फ्लाइट में और खा रही हूँ किसी, और नॉर्मल फ्लाइट में नहीं किसी स्पेशल फ्लाइट में बैठी सच में। हाँ बच्चे भी खुश हो गए। हाँ नॉर्मल फ्लाइट नहीं लग रही थी, स्पेशल फ्लाइट लग रही थी। तो आप भी अगर अपनी मतलब लाइफ को कुछ अलग सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा मतलब बनाना चाहते हो, अपने फैमिली वालों को सरप्राइज देना चाहते हो,
तो एक बार जरूर जाना आप यहाँ पर। तो 100 रुपीज टिकट है, उसके अलावा बाकी आपकी चॉइस है, आप कितना खर्च कर सकते हो। मैंने बाकी सारी डिटेल बता दी। तो मेन चीज थी पानी के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि पानी अगर आपको पीना हो तो वहाँ पे जरूर पूछना कि इस पानी का बिल तो नहीं आएगा। बस यही मेरा मेन पर्पस था। तो ये चीज मतलब उन्होंने बॉटल रख रखी, ग्लास रख रखी, बच्चों को प्यास लग रही थी, इन्होंने पानी डाल दिया बच्चों के लिए। तो ये तो कोई भी नॉर्मल इंसान जाएगा अगर रेस्टोरेंट में, वो सोचेगा कि पानी रखा है तो पीने के लिए, पर ये सबको नहीं पता होता कि बिल आएगा। क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रेस्टोरेंट में गई थी, वैसी बात नहीं है कि हम जाते नहीं है रेस्टोरेंट, तो हम जाते हैं लेकिन पानी का बिल कहीं लगता नहीं आता। हाँ, तो अभी या तो ये बॉटल ही कुछ वीआईपी है शायद, इसलिए तो भी बताना चाहिए ना। बताना क्या, पूछना चाहिए, हमने नहीं पूछा पर आप लोग पूछ लेना अगर आप लोग जाते हो। तो बस आज की हमारी वीडियो बस यहीं पर मैं एंड करूंगी। आई होप मेरी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है एरो रेस्ट्रो एंटरटेनमेंट के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों को पता चले, आपकी फैमिली वालों को, कि क्या मतलब इस रेस्टोरेंट की कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, आप लोग खुद जाके फील कर सकते हो। बढ़िया है, जन्मदिन एनिवर्सरी वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। और दिल्ली और नोएडा एनसीआर के बिल्कुल बीचों बीच है, और अभी इसे एक साल भी नहीं हुआ, इसे ओपन हुए काफी टाइम से काम चल रहा था इसमें एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में, तो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। तो जाओ आप जल्दी से अपनी फैमिली को लेके जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, एंजॉय करो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगी किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।